देखिए, अगर महागठबंधन उनको अपना कैंडिडेट बनाता है जी तो 100 में 120% अशोक महतो जी की पत्नी वहां से जीतने जा रही। तब तो जब आनंद मोहन का बेटा हमारे साथ था, आरोपी था जी, विधानसभा में विश्वासघात किया, आपके साथ बैठ गया, धर्मात्मा हो गया। उस समय कहा नहीं बीजेपी नेता का बोली खुला। आनंद मोहन जी जब सुशील मोदी लगातार बोलता था आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो, उसमें उसमें सुशील मोदी का मुंह में दही जमा हुआ था। जरूरत था दलितों को आवाज देना, बैकवर्डों को आवाज देना, एकमात्र अशोक महतो नवादा के क्षेत्र में लाना था। महागठबंधन इस बार 40 में से 35 सीट ला रही है, 35 में से 35। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आरजेडी का जब से स्थापना होया आज तक का एक सीट नहीं है आरजेडी का लोकसभा में। गठबंधन का सब पार्टी 40 सीट पर लड़ रहा है, जहाँ आरजेडी का सिंबल होगा वो आरजेडी अपना कार्यकर्ता उतारेगी, आज जाना ही होगा, करेंगे कांग्रेस को समर्थन करेगा। अशोक जो है ना फूल बहुमत से आएंगे मुंगेर से। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। खाकी द बिहार चैप्टर के रियल हीरो कहे जाने वाले अशोक महतो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उन्होंने शादी कर ली है, यानी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो अशोक महतो है उन पे आपराधिक मामले दर्ज थे, इस कारण बस कहा जा रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब जो है उन्होंने शादी कर ली है और कहा जा रहा है उनकी जो पत्नी है वो अब चुनाव लड़ेगी आरजेडी के टिकट पे। लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है शादी होने के बाद। आज हम आम पब्लिक से बात करेंगे कि अशोक महतो की जो पत्नी है मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है, यदि चुनाव लड़ेगी और उसके सामने जो है ललन सिंह जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेडीयू के, वो आएंगे, कितनी टक्कर देंगे, और साथ ही साथ अशोक महतो को लेकर क्या सोचते हैं बिहार की जनता, आइए हम बात करते हैं। क्या कहेंगे अशोक महतो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को लड़वाना चाह रहे हैं मुंगेर लोकसभा सीट से। देखिए, अगर महागठबंधन उनको अपना कैंडिडेट बनाता है जी तो 100 में 120% अशोक महतो जी की पत्नी वहां से जीतने जा रही है, ललन जी हारने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के पास कोई अच्छे नेता नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो कुख्यात अपराधी को जो है वो चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। तब तो जब आनंद मोहन का बेटा हमारे साथ था, आरोपी था जी, विधानसभा में विश्वासघात किया, आपके साथ बैठ गया, धर्मात्मा हो गया। उस समय कहा नहीं बीजेपी नेता का बोली खुला। आनंद मोहन जी जब सुशील मोदी लगातार बोलता था आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो, उसमें उसमें सुशील मोदी का मुंह में दही जमा हुआ था। जब जब बहुजनों ने ललकारा है इन लोग, ये लोग पाखंडवादियों के मुंह पे तमाचा पड़ा रहा है। मतलब अशोक महतो के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं क्या? बिल्कुल डर है, डर। जब जब बहुजनों ने ललकारा है पाखंडवाद के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया और फिर लगने वाला है। अशोक महतो जी इनसे कुछ एक काम अगर ये बता देंगे ना, ललन जी क्या किए हैं, ललन जी क्या नाम ले रहे हैं सर, हम आप ये बात इनका नाम ले रहे हैं बताइए ना। अरे जब जरूरत था ये बात होया कि ललन जी क्या किए? अशोक महतो आप भैया, मैंने क्या पूछा? अरे भैया कौन है अशोक महतो? दलितों के लिए क्या किए हैं? अरे क्या किए कौन है? हम ये चीज पूछ रहे हैं, ये क्या बोले ललन जी क्या किए? जरूरत था दलितों को आवाज देना, बैकवर्डों को आवाज देना, एकमात्र अशोक महतो नवादा के क्षेत्र में लड़ा था, एकमात्र नवादा के क्षेत्र में अशोक महतो लड़ा था। कहां चुनाव लड़ा? तब कहां गए तिलक अखिलेश सिंह के गुट का लोग और अगड़ा पिछड़ा करने वाले लोग? ललन अशोक महतो जी ने आवाज दिया, क्या किया? 17 महीने से जेल में थे तो क्या करेंगे? और जनता से पूछिए अशोक महतो को जानते हैं? पैसे पे टिकट मिला, पैसे पे, पैसे पे जानते हैं अशोक महतो को, बताइए कौन अशोक महतो है, क्या किया अशोक महतो चुनाव लड़ते हैं? मुंगेर से आरजेडी उनको टिकट दे रही है, वो लड़ेगा, कौन जीतेंगे? पत्नी लड़ेगी, वो जीतेंगे, 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 वो बिल्कुल। ललन सिंह हार रहे हैं इस बार, और आरजेडी जो जेल से आता है, जो खून करके आता है, सुनिए सुनिए, जिसका पैसा हो, जो घोटाले करके उसको टिकट देती है आरजेडी। पूरा भाजपा, पूरा आपको लोजपा, सब तो आरजेडी है भैया। आनंद मोहन का बेटा क्यों बीजेपी को समर्थन कर रहा है? बीजेपी क्यों आनंद मोहन को टिकट दिया? जेडीयू क्यों आनंद मोहन को टिकट दिया? पहले किसने थे वो? आनंद मोहन को किसने निकलवाया? आनंद मोहन को जो उनका लोकसभा से है उनसे ओपिनियन लीजिए, ज्यादा करें तो बेहतर रहेगा, समझे? लोकसभा का कैंडिडेट नहीं, वो बिहार का पहचान है, वो बिहार का पहचान है, दलित शोषित पिछड़ों की आवाज है वो। आप लोग क्या समझिएगा भैया, ये लोग अशोक महतो ललन सिंह को टक्कर देंगे? बिल्कुल जीतेंगे, टक्कर नहीं, बहुत वोटों से जीतेंगे वो। ललन सिंह को उनका जो बाल होता है ना, बाल वो नहीं हिला पाएंगे अशोक महतो जी, समझ गए? क्योंकि मुंगेर के लिए उन्होंने काम किया है, बिल्कुल। ये तो बोल रहे मुंगेर के लिए काम किया, कुत्ता के मीट किया है। अशोक महतो ही जीतेंगे, अशोक महतो बिल्कुल। महागठबंधन इस बार 40 में से
35 सीट ला रही है, 35 महागठबंधन लोकसभा में। हाँ, में से 35। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आरजेडी का जब से स्थापना होया आज तक का एक सीट नहीं है आरजेडी का लोकसभा में, ठीक है। अरे 35 सीट बोल रहे हैं, एक सीट है लोकसभा, अरे एक सीट है आरजेडी का, अभी नहीं, एक सीट है की बात कीजिए, 35 सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं, अभी नहीं है, लेकिन 2024 की बात कीजिए, लड़ रही है लोकसभा का चुनाव, आरजेडी कितने सीट पे लड़ रही है? कुछ आरजेडी 28 सीट पे लड़ेगी। अरे भाई आरजेडी 28 सीट पे लड़ेगी। गठबंधन का सब पार्टी 40 सीट पे लड़ रहा है, जहां आरजेडी का सिंबल होगा वहां आरजेडी अपना कार्यकर्ता उतारेगी, और जहां नहीं होगा कांग्रेस को समर्थन करेगा, वहां लेफ्ट को समर्थन करेगा। इनमें बंटवारा है, इनमें बंटवारा है, पूछिए ना भाई। इतिहास में एक सीट नहीं जीती है आरजेडी, एक सीट ज्ञान लेके आ रहे भैया, देख लीजिए इन कहां से ज्ञान लेके आते, इनसे पूछिए ना। नीतीश कुमार चिराग पासवान का प्रचार करेगा, चिराग पासवान नीतीश का प्रचार करेगा, अरे चिराग पासवान नीतीश का प्रचार करेगा। एक सांसद है बिहार जोड़ी का, एक है, एक है बिहार के अंदर, ऐसे नहीं है। अगर माधव चुनाव लड़ते हैं ललन सिंह कर देंगे, ललन सिंह को अशोक जो है ना फूल मोहम्मद से आएंगे मुंगेर से, फूल मोहम्मद से कहने बीजेपी ने चिराग पासवान को उनको चाचा में दुश्मनी खड़ा दिया, घोर फोड़ दिया। जब चाचा भतीजा में घोर फोड़ दिया तो बीजेपी केकरो घोर फोड़ देगा, इसलिए बिहार जाग उठा है। अबरी आरजेडी, अबरी आरजेडी फूल मोहम्मद से आ रहा है। तो देखिए आम जनता थी, हमने बात की अशोक महतो को लेकर के, क्या रिएक्शन है लोगों का, कहना है कि अशोक महतो अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जीतेंगे 100%। देखिए साफ तौर पे कह रहे जनता, अगर अशोक महतो चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे। साथ ही साथ मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर के कहीं ना कहीं जनता जो है वो ललन सिंह को लेकर कह रहे हैं कि ललन सिंह को इस बार पटकनी देने दे सकते हैं अशोक महतो, जोरदार टक्कर रहेगी। देखने वाली बात होगी कि अगर टिकट मिलता है अशोक महतो की पत्नी को तो वो कितनी टक्कर देती है, क्या कुछ परिणाम आता है, तो वक्त बताएगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।